अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 21 कैलकुलस का शुरू करते हैं आज। तो इसमें और मज़ीद बात करेंगे डेरिवेटिव्स की, उनकी एप्लीकेशंस एक्चुअली देखेंगे फॉर अ चेंज। इस वक्त इस लेक्चर में आप देखेंगे कि ये जो सारा थियोरेटिकल आइडिया हमने डेवलप किया था डेरिवेटिव्स का, इसकी एप्लीकेशन क्या है, यानी व्हाट इज़ द पॉइंट बेसिकली इन टर्म्स ऑफ रियल लाइफ। यानी कुछ हमने देखी भी थी पहले, यानी जब हमने बात की थी जो इंटरप्रिटेशन ही की बात की थी कि डेरिवेटिव इज़ दी स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू अ गिवन फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट, तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि इट्स बेसिकली वी डिड सी सम एप्लीकेशंस ऑफ दैट थिंग। यहाँ पे थोड़ी सी और डिटेल में देखेंगे थोड़ी सी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, जो पिछला आपका लेक्चर था उसमें मेरे ख्याल से ये था कि उसमें हमने बात की थी इनवर्स फंक्शंस की और इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव्स की, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की और लॉगरिथमिक फंक्शंस की डेरिवेटिव्स की। तो वहाँ पे इस लेक्चर में थोड़ा सा ये था कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, उसमें हमने एप्लीकेशंस तो कोई खास नहीं देखी थी, कुछ एग्जांपल्स देखी थी थ्योरेटिकल एग्जांपल्स। तो यहाँ पे सिर्फ मैं ये इतना कहना चाहूँगा कि कुछ मैथमेटिक्स में चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें यू डोंट ऑलवेज सी राइट अवे द रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ दैट आइडिया, मैथमेटिकल आइडिया, लेकिन ये है कि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से ज़रूर होनी चाहिए। यानी जब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और अपने लॉगरिथमिक फंक्शंस और इनवर्स वगैरह की बात की हमने, तो उसमें थ्योरी थी बहुत सारी, कुछ एग्जांपल्स की थी जो थ्योरेटिकल ही थी, तो कोई बात नहीं क्योंकि उनकी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, उनकी थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे चल के अब एप्लीकेशंस में उनको अच्छी तरह से हम इस्तेमाल कर सकें। तो इट्स नॉट ऑलवेज दैट यू सी राइट अवे व्हाट दी एप्लीकेशंस आर फॉर अ गिवन टॉपिक इन मैथ या कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की, बट द पॉइंट इज़ के उसी थ्योरेटिकल बात को डेवलप करते हुए हम आहिस्ता आहिस्ता फिर इवेंचुअली वी डू गेट टू अ पॉइंट वेयर वी कैन सी देयर एप्लीकेशंस। तो हम देखेंगे आगे चल के इन सारी जो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी एक्सपोनेंशियल्स वगैरह की, उनकी एप्लीकेशंस भी हम देखेंगे इवेंचुअली। लेकिन आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिलेटेड रेट्स की एंड एप्लीकेशंस ऑफ द डेरिवेटिव्स। तो इसको फॉर्मलाइज करते हैं, लेट्स पुट इट ऑन द स्क्रीन कि आज हमने क्या बात करनी है। आज का टॉपिक बेसिकली है जनाब एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, और इसमें जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो हैं रिलेटेड रेट्स। एंड व्हाट आर रिलेटेड रेट्स? इट्स बेसिकली एन एप्लीकेशन ऑफ यू नो ऑफ द डेरिवेटिव आइडिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। उसके बाद हम बात करेंगे इंक्रीसिंग फंक्शंस की कि ये फंक्शंस क्या होते हैं। यहाँ पे भी हम एप्लीकेशन ही देखेंगे डेरिवेटिव्स की, लेकिन फ्रॉम ए थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी हम डेरिवेटिव्स को अप्लाई करेंगे नॉट फॉर अ रियल लाइफ प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, बट बेसिकली टू डेवलप फर्दर सर्टेन थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स। उसके साथ हम देखेंगे डिक्रीजिंग फंक्शंस को भी। अगेन वही बात है कि यहाँ पे भी ये भी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, वील सी हाउ डेरिवेटिव्स अप्लाई हेयर ऑल्सो। एंड एट द एंड वील टॉक अबाउट कॉनकेविटी ऑफ फंक्शंस। कॉनकेविटी से क्या मुराद है वो भी हम देखेंगे क्या होती है। इंटुइटिवली स्पीकिंग कॉनकेविटी इज बेसिकली जैसे कॉनकेव लेंस वगैरह होते हैं, तो उनकी शेप अगर आपको याद हो तो उस तरह के फंक्शंस हम देखेंगे जिनकी शेप कॉनकेव लेंस टाइप की होती है। अच्छा जी, तो आइए शुरू करते हैं फिर। ये हमने टॉपिक्स देख लिए आज के, क्या बात करेंगे हम, तो इनके बारे में बातचीत शुरू करते हैं। अच्छा, तो इन कॉन्सेप्ट्स की अब हम जैसे डेवलप करेंगे तो इनको फॉर्मलाइज करके थोड़ा सा कॉन्क्रीटली स्क्रीन पे लिख लेते हैं कि हम बात क्या करेंगे। बात फिलहाल ऑब्वियसली हम रिलेटेड रेट्स की कर रहे हैं, तो व्हाट आर दीज थिंग्स, लेट्स पुट इट ऑन द स्क्रीन। रिलेटेड रेट्स आर बेसिकली रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। दीज इन्वॉल्व फाइंडिंग द रेट एट विच वन क्वांटिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, वी मे बी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट द पोलर आइस कैप्स आर मेल्टिंग विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन टेम्परेचर। तो अब ये जो लास्ट एग्जांपल मैंने लिखी अभी कि कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं रिलेटेड रेट्स, तो उसमें ये था, यही बात हुई कि जी आजकल जैसे ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, बल्कि रिसेंटली एक बड़ा इवेंट हुआ है, आई थिंक या तो साउथ पोल पे या नॉर्थ पोल पे, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन वन ऑफ दी आइस कैप्स, यानी एक बहुत बड़ा चंक जो था आइस कैप्स का, वो ब्रेकअप होके मतलब समंदर में डूब चुका है, और वो इतना बड़ा है कि सिंगापुर की कंट्री जो है उससे 7 times bigger than that. तो इट्स समथिंग ऑफ कंसर्न ऑब्वियसली। यानी इमीडिएटली क्वेश्चन ये भी यहाँ पे हम पोस्ट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ दैट बिग चंक सिंकिंग इनटू द ओशन ऑन द यू नो ओशन लेवल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी यहाँ पे भी हम ये भी कह सकते हैं कि जी जैसे वो व्हाट हैपन्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द ओशन लेवल कॉरस्पॉन्डिंग टू हाउ फास्ट द पोलर कैप्स आर मेल्टिंग,
उसी तरह से जैसे हमने पहले जो पोस्ट किया था क्वेश्चन, वो ये था कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है एक क्वांटिटी में गिवन रेट से, तो व्हाट्स हैपनिंग टू द अदर क्वांटिटी, यानी सारा इंटरप्ले है क्वांटिटीज़ का। दो क्वांटिटीज़ आपके पास होंगी, और याद रखेंगे फंक्शंस जो होते हैं वो भी दो क्वांटिटीज़ को रिलेट करते हैं इन अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप। तो वही बात है कि इट ऑटोमेटिकली टर्न्स इनटू द आइडिया ऑफ टू क्वांटिटीज़ रिलेटेड टू ईच अदर। और यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि हाउ वन रिस्पॉन्ड्स इन व्हाट फैशन टू द यू नो इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग गिवन द चेंज इन सम अदर क्वांटिटी। तो वो बेसिकली कॉन्सेप्ट है रिलेटेड रेट्स का, वही हम इसकी बात करेंगे। आइए आगे चलते हैं। एक और जो चीज़ हम जहाँ एग्जांपल दे सकते हैं रिलेटेड रेट्स की, वो ये है कि जी वी मे वांट टू नो हाउ फास्ट ए सैटेलाइट इज चेंजिंग एल्टीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन टाइम और विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन ग्रेविटी। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है कि जब सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं तो उसमें यही होता है कि जी आपने उनको एक ऑर्बिट में जब आप लॉन्च करते हैं तो टाइम के साथ उनका एल्टीट्यूड जो होता है वो डिके करता है, इसे हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं डिके ऑफ एल्टीट्यूड। तो वो भी एक क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग कि उसमें एक फंक्शन इन्वॉल्व होता है कि हाउ, बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि जितनी तेज़ी से आपकी सैटेलाइट घूमेगी ऑर्बिट में दुनिया के आसपास, उतना उसका एल्टीट्यूड शायद उसके ग्रेविटी उसके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं करेगी अर्थ की, और उसका एल्टीट्यूड कम नहीं होगा। लेकिन अगर स्पीड उसकी कम होने लगे तो ऑब्वियसली ग्रेविटी विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग इट टूवर्ड्स द प्लैनेट अर्थ एंड द एल्टीट्यूड विल चेंज। तो वही बात है कि ग्रेविटी के हवाले से भी पूछा जा सकता है कि हाउ फास्ट डज द एल्टीट्यूड of a satellite change with respect to changes in gravity. Gravity bhi constant nahi hoti, different points pe ho sakta hai, different gravitational pull ho. Similarly, time ke changes ke saath poocha ja sakta hai ki jaise jaise time guzar raha hai, ho sakta hai uski raftaar jo hai satellite ki wo slow ho rahi ho, and maybe altitude jo kam ho raha hoga, ho sakta hai uski raftaar tez ho jaye for some reason, and then altitude might not actually change at all. To is type ke questions hain basically jinhe hum related rates kehte hain, और ऑब्वियसली आपको साफ जाहिर है पता चल गया होगा कि दीज आर रियल लाइफ अप्लाइड प्रॉब्लम्स। तो दैट्स व्हाई वी दीज आर सो इंटरेस्टिंग, एंड ऑफ कोर्स हियर इज वेयर वी सी द आइडिया ऑफ डेरिवेटिव एट प्ले। तो आए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इनकी, इसके बारे में मजीद बात करते हैं। एग्जांपल है जनाब, इट्स अ वर्ड प्रॉब्लम, जाहिर है चूंकि रियल लाइफ प्रॉब्लम है तो इसको पहले तो आप एक्सप्लेन करेंगे इंग्लिश में, उर्दू में भी कर सकते हैं, मैंने इंग्लिश में किया है। असूम दैट ऑयल स्पिल्ड फ्रॉम ए रप्चर्ड टैंकर spreads in a circular pattern whose radius increases at a constant rate of 2 feet per second. How fast is the area of the spill increasing when the radius of the spill is 60 feet? So, janab, yahan pe real life problem kya hai? It's a very applied problem. Aajkal khabron mein roz sunte hain, janab, kisi jagah pe ek oil tanker rupture ho gaya aur jee tel phail gaya samandar mein. And of course, we know that wildlife gets affected by it. एनवायरमेंटल कंसर्न्स होती हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि जी आपके पास एक टैंकर है जो रप्चर हो चुका है और जो ऑयल उसमें से लीक हो रहा है वो एक सर्कुलर पैटर्न में स्प्रेड आउट कर रहा है। तो यहाँ पे दिस एक्चुअली इज अ क्रूशियल थिंग। सर्कुलर पैटर्न हमें पता है, उसके बाद सर्कुलर सर्कल से मुराद ये है कि उसकी कुछ फार्मूलाज होते हैं जो अभी हम देखेंगे, उनके बारे में हमें वी फुली अंडरस्टैंड व्हाट अ सर्कल इज, सो इट विल बी हेल्पफुल टू नो दिस। और साथ में असल सवाल ये है कि हाउ फास्ट इज द एरिया ऑफ द स्पिल चेंजिंग, यानी ऑब्वियसली सर्कल है तो उसका रेडियस जो है वो चेंज हो रहा है, विच मीन्स दैट द स्पिल इज गेटिंग बिगर एंड बिगर। एंड क्वेश्चन ये है कि हाउ फास्ट इज इट चेंजिंग एट अ गिवन पॉइंट, यानी जब एक रेडियस 60 फीट पे, तो उस वक्त कितनी देर से फैल रहा है ये जो आपका ऑयल स्पिल है। तो यहाँ पे एक तरह की इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि वाई डू दे हैव टू स्पेसिफाई अ पॉइंट। वेल, ये कॉन्सेप्ट होता है वही वाला जो हम पहले देख चुके हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन्वॉल्व है, रिलेटेड रेट जिसे कहते हैं हम, जिसमें रिलेटेड रेट्स की हमने बात की थी, उसमें जाहिर रेट ऑफ चेंज इन्वॉल्व था ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। तो रेट ऑफ चेंज जो है वो इंस्टेंटेनियस है इन दिस एग्जाम्पल, और मोस्ट ऑफ द रिलेटेड रेट प्रॉब्लम्स हैं हम इंस्टेंटेनियस रेट मालूम करना चाहेंगे कि एट अ सर्टन गिवन पॉइंट जब आपकी एक क्वांटिटी आपको पता है तो हाउ फास्ट इज दैट क्वांटिटी चेंजिंग। तो वो सवाल है यहाँ पे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं। लेट्स गो टू द स्क्रीन। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल ए जो है इसको कह लेते हैं जनाब एरिया ऑफ द स्पिल इन स्क्वेयर फीट आफ्टर टी सेकंड्स, यानी जब कुछ वक्फा गुजर चुका है टाइम का तो कितना एरिया है स्पिल का। जाहिर है एरिया ऑफ जो है सर्कुलर जो ऑयल स्पिल था वो चेंज हो रहा है उसका एरिया, जैसे चूंकि वो बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ, तो एक एरिया का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होना चाहिए। सिमिलरली आपके पास रेडियस एक इन्वॉल्व है यहाँ पे, आर, लेट्स कॉल इट स्मॉल आर, विच इज़ द रेडियस ऑफ द स्पिल इन फीट आफ्टर टी सेकेंड्स, यानी टाइम टी सेकेंड्स गुजरने के बाद उसका रेडियस कितना होगा स्पिल का।
और ऑफ कोर्स टी की बात हो रही है तो टी को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, स्मॉल टी एज द नंबर ऑफ सेकेंड्स इलैप्स्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ द स्पिल। यानी ऑफ कोर्स ये तीन वेरिएबल्स ही हैं जो इन्वॉल्व हैं इस प्रॉब्लम में कि जनाब एक स्पिल हुआ है, उसका एरिया चेंज हो रहा है, तो सर्कुलर है, ज़ाहिर एरिया चेंज हो रहा है, तो वी हैव टू टॉक अबाउट द एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन, वो हम डिफाइन कर सकेंगे, उसका फार्मूला हमें पता है, अभी देखेंगे क्या है। उसके अलावा रेडियस है, एक सर्कुलर है चूंकि, तो और एरिया की भी बात हो रही है तो रेडियस इन्वॉल्व होता है इसमें, ज़ाहिर है एक जहन में आना चाहिए राइट अवे कि देर शुड बी अ रेडियस ऑफ द सर्कल इन्वॉल्व। और साथ में टाइम तो ऑफकोर्स है ही क्योंकि एवरी थिंग इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम जैसे जैसे पास हो रहा है द एरिया ऑफ द स्पिल इज गेटिंग बिगर एंड बिगर, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू डिक्लेयर दैट एज वन ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम। और अब हमें मालूम क्या करना है, ये चीज़ें जो हैं ये हम देखेंगे कि हमें शायद पता हो, यकीनन पता होंगी, लेकिन इसमें चीज़ें मालूम क्या करनी है, तो आइए इसको भी लिख लेते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले तो ये कि जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिक्लेयर की थी चीज़ें, इनका एक फिगर बना लेते हैं, और यानी पूरी जो सिचुएशन हमारे पास है उसका एक सिनारियो क्रिएट करते हैं एज अ पिक्चर। तो इसको एक फिगर के तौर पे यहाँ पे देखिए, हियर इज़ अ फिगर, और यहाँ पे बीच में आपके पास एक ऑयल टैंकर है, इसमें बीच में रपच्चर हुआ है कहीं सेंटर में कह लीजिए, और वहाँ से तेल जो है या ऑयल जो है वो लीक हो रहा है इन अ सर्कुलर फैशन। तो ये जो सर्कल आपके पास सामने बना हुआ है सराउंडिंग दी टैंकर, दैट्स बेसिकली द सर्कल रिप्रेजेंटिंग द ऑयल स्पिल। और अब यहाँ पे मालूम क्या करना है, वी वॉन्ट टू फाइंड डी ए ओवर डी टी एट द पॉइंट वेयर आर इक्वल 60। तो ये डी ए ओवर डी टी क्या चीज़ है जनाब, ये डी ए जो है ऑफकोर्स ए इज एरिया ऑफ द स्पिल, हमें मालूम करना है चेंज ऑफ दैट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वॉट चेंज अकर्स इन द एरिया ऑफ द ऑयल स्पिल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और वही नहीं बल्कि एक गिवन इंस्टेंट पे हमें मालूम करना है, यानी एट दैट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रीजन इज 60 फीट बेसिकली। ठीक है जी, तो ये तो हमें मालूम ही करना है कि डी ए ओवर डी टी क्या है एट दैट गिवन पॉइंट आर इक्वल 60। इसमें हमें और कोई, ये तो एक रेट ऑफ चेंज है जो मालूम करना है, कोई ऐसा रेट ऑफ चेंज है जो हमें पता हो, जो हमें गिवन हो, तो वो इंडीड दैट इज द केस, और वो है स्क्रीन पे लिखते हैं इसको। What we do know is that dr over dt equals 2 feet per second. dr over dt of course is the rate of change of the radius of the circular region, the oil spill, with respect to time. वो हमें दिया हुआ है, it's basically 2 feet per second. तो अब इस ये सारी information हमारे पास है और एक चीज़ हमें मालूम करनी है, अब हम कैसे करें, how do we proceed? तो इसमें एक simple सी बात है कि area जो है, यानी अब सारी प्रॉब्लम रिलेटेड रेट प्रॉब्लम्स में ये होती है कि हाउ डू यू सेट अप द होल इक्वेशन, यानी एक बार आपकी जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें देन एवरीथिंग इज इजी, लेकिन हाउ दैट्स द बिग स्टेप, हाउ डू यू कन्वर्ट अ वर्ड प्रॉब्लम इनटू एन इक्वेशन। तो उसमें यही है कि हर प्रॉब्लम की अलग मुनफरद एक वो होती है प्रॉपर्टी, रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इस प्रॉब्लम में जो हमें रिक्वायर्ड है वो ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया मालूम करना है, तो डी ए ओवर डी टी, तो वी हैव टू हैव एरिया डिफाइंड somehow, यानी एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन किसी तरह से हमारे पास होना चाहिए, लेकिन वो तो बड़ा आसान बात है उसको मालूम करना, क्योंकि एरिया जो है वो एक सर्कुलर रीजन है तो उसका एरिया हमें पता है, इट्स पाई आर स्क्वेयर, यानी उसका रेडियस स्क्वेयर टाइम्स पाई, दैट्स ट्रू फॉर एनी सर्कल। ये भी चूंकि एक सर्कुलर रीजन है ऑयल स्पिल, तो वी कैन डू यूज दैट फार्मूला, सो द एरिया ऑफ द ऑयल स्पिल विल बी पाई आर स्क्वेयर। तो इसको भी लिख लेते हैं, ये एक नॉन क्वान्टिटी होगी, स्पिल इज अ सर्कुलर region, so therefore area of that circular region will be a equals pi r square. अब हमें basically मालूम करना है dA over dt. अब ये कैसे मालूम करेंगे, तो इसमें नोट कीजिए कि जो रेडियस आपके पास एरिया है जिसका रेट ऑफ चेंज मालूम करना है, वो रेट ऑफ चेंज आपको मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन आपका जो फॉर्मूला दिया हुआ है आपको एरिया का वो है इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम रेट ऑफ चेंज मालूम कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कीपिंग इन माइंड दैट एरिया इज ए फंक्शन ऑफ आर ऑफ द रेडियस, और फिर उसके बाद हम चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। आई होप यू कैन सी दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू। मेरे ख्याल से अगर मैं इसको लिख दूँ स्क्रीन पर तो इट विल बी मच मोर क्लियरर। डी ए ओवर डी टी इक्वल्स 2πr, दैट्स जस्ट द डेरिवेटिव ऑफ पाई आर स्क्वेयर, बट देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द derivative of r with respect to t, which is dr by dt. This is basically what I meant when I said that you have to use the chain rule, keeping in mind that area is a function of r, but you're finding the derivative with respect to t. Now, this equation then implies that dA over dt at the point where r equals 60 will equal 2 pi
times 60 times 2, which is equal to 240 pi feet squared per second. ये जनाब आपका रिजल्ट आ गया, आंसर आ गया, यानी एरिया जो है उस ऑयल स्पिल का चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट द रेट ऑफ 240 पाई फीट स्क्वायर्ड पर सेकंड. तो ये आपका सवाल का जवाब आ गया. इसमें वही बात है कि वही चीज़ इस्तेमाल की, यानी डेरिवेटिव इस्तेमाल किया, चेन रूल इस्तेमाल किया, एंड वी गॉट एन आंसर. तो ये तो एक प्रॉब्लम थी पर्टिकुलर. होपफुली इट मेक सेंस व्हाट्स गोइंग ऑन. अब इसमें पॉइंट ये है कि हाउ डू वी इन जनरल, हम कोई ऐसा एक पैटर्न है जो अप्लाई कर सकते हैं किसी भी रिलेटेड रेट टाइप की प्रॉब्लम जो अभी हमने इसकी एग्जांपल देखी, कोई अगर है तो वो बड़ी अच्छी बात होगी. वेल, थोड़ा सा हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं. आई विल राइट डाउन सम पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन एंड दोज पॉइंट्स विल एक्चुअली हेल्प यू इन जनरल फॉर सॉल्विंग रिलेटेड रेट प्रॉब्लम्स ऑफ द टाइप वी जस्ट सॉ. तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं. The following steps are helpful in solving related rate problems. Number one, draw a figure and label the quantities that change. ये basically एक figure, जाहिर सी बात है कि pictorial idea अगर आ जाए आपके पास, picture बना लें concept की, तो बड़ा आसान होता है. Number two is identify the rates of change that are known and those that are not known or basically that are to be found. ये वही बात है कि पिछले वाली एग्जांपल में हमारे पास एक रेट हमें मालूम था, रेट ऑफ चेंज रेडियस का, और एक हमें मालूम करना था, तो ये वो वाली बात है. नंबर थ्री जो है वो है फाइंड एन इक्वेशन दैट रिलेट्स द क्वांटिटी हुज रेट ऑफ चेंज इज टू बी फाउंड टू दोज क्वांटिटीज हुज रेट्स ऑफ चेंज आर नोन. ठीक है जी. तो ये तीन पॉइंट्स तो पहले हैं जिसमें मेरे ख्याल से सिंपल थे, हमने यही किया था शुरू में. और जो नंबर थ्री पॉइंट है वो काइंड ज़रा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें वही सारा स्टेप होता है कि आपको एक इक्वेशन बनानी होती है जो आपको बताए कि हो क्या रहा है. और उसका तरीका ये है कि जो क्वान्टिटीज़ आपको हैं, पता हैं, और जो मालूम करनी है रेट्स ऑफ चेंज के हवाले से, उनको रिलेट करें किसी एक इक्वेशन से. तो हर प्रॉब्लम में डिफरेंट इक्वेशन होगी. आइए बाकी पॉइंट्स भी देख लेते हैं इस आइडिया के. Number four is differentiate the equation that you have written down from part three with respect to the variable that quantities are changing in respect to. Yani basically jo jiske hawale se jiski respect se quantities change ho rahi hain usse differentiate kijiye. Aur aam taur pe ye time hota hai lekin could be anything. Aur aakhri step hai janab, evaluate the derivative at appropriate points. To ye kuch steps hain जिसको अगर आप मद्देनज़र रखें तो यूजली ये प्रॉब्लम्स जो होती हैं आसान हो जाती हैं करना. लेकिन इनकी एग्जांपल्स जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और आपको एक ये जो अभी हमने पॉइंट्स सीखे, दीज एक्चुअली बिकम पार्ट ऑफ योर थिंकिंग प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. तो प्रैक्टिस कीजिए इनकी प्रॉब्लम्स की, वो सबसे अच्छी बात होती है. एक एग्जाम्पल और करते हैं रिलेटेड रेट्स की एंड आई थिंक इट मेक सम मोर थिंग्स क्लियर. आइए स्क्रीन पर चलते हैं. एग्जाम्पल है जनाब, ए 5 foot लैडर is leaning against the wall. ठीक है जी, एक 5 foot की है आपके पास सीढ़ी जो तिरछी करके रखी हुई है दीवार के साथ. आमतौर पे हम देखते हैं घरों में भी ऐसा होता है. अब सिचुएशन कुछ यूँ है कि इट स्लिप्स इन सच अ वे दैट इट्स बेस इज मूविंग अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 feet पर सेकेंड. यानी बेस मूव अवे कर रही है, यानी जो वो हिस्सा जो रेस्ट कर रहा होता है ज़मीन पर, वो मूव कर रहा है दीवार से. It's moving away from the wall at the rate of 2 feet per second at the instant when the base is 4 feet from the wall. How fast is the top of the ladder moving down? Is moving down the wall at that instant? Yani at the instant when the base is 4 feet from the wall. So, ye janab aapki situation hai. Iski picture bana lijiye. Of course, that was the first step in those 5 points we saw. So, picture bana lete hain iski. Screen pe dekhte hain. ये सामने आपके फिगर है जनाब, इस पे आपके पास एक सीढ़ी है, दीवार है, और इसमें बेस जो है वो ज़मीन है एक्स, और जो दीवार है वो वाई वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रही है. तो यहाँ पे एक ऑटोमेटिक सा एक्स एंड वाई प्लेन बन गया. एंड आई थिंक वी कैन आइडेंटिफाई सम थिंग्स नाउ. वी कैन से दैट टी इक्वल्स नंबर ऑफ सेकेंड्स आफ्टर द लैडर स्टार्ट्स टू स्लिप. तो ये टाइम हो जाएगा. एक्स इज द डिस्टेंस इन फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द लैडर. ठीक है जी, एट एनी गिवन पॉइंट x विल मेजर द डिस्टेंस ऑफ द बेस, डिस्टेंस इन फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द लैडर. y जो होगा विल मेजर द डिस्टेंस इन फीट फ्रॉम द टॉप ऑफ द लैडर टू द फ्लोर. तो ये जनाब आपके वेरिएबल्स हो गए, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं. स्टेप नंबर 2 जो था हमारा, हमने वो आइडेंटिफाई कर लिए. अब इसमें रेट्स ऑफ चेंज आइडेंटिफाई कर लेते हैं. आई विल पुट देम ऑन द स्क्रीन फॉर यू.
dx by dt equals rate of change of the base of the ladder. ये basically horizontal movement कह लें इसको, यानी movement जो होगी horizontal direction में उसको dx by dt कह लें. Rate of change of the top of the ladder, which we can also call vertical movement, यानी जब ladder slip करती है तो top जो होती है वो bottom की तरफ जाती है, उसको हम कह सकते हैं dy by dt. And what do we want to find out? We want to find dy over dt at the point where x equals 4. Given that dx over dt at the point x equals 4 is 2 feet per second. So how do we relate x and y? Achha ji, to yehi sara problem hai ki how do we relate x and y? This is the big thing. तो इसको कैसे करेंगे? इसमें हर प्रॉब्लम यूनिक होती है, यहाँ पे भी एक डिफरेंट है. पिछली वाली प्रॉब्लम में हमारे पास सर्कुलर रीजन था एक, तो हमने सर्कल की इक्वेशन इस्तेमाल की थी. यहाँ पे हमारे पास, मैंने शुरू में कहा था कि एक्स एंड वाई एक्सिस बन रहा है. और अब अगर आप पिक्चर को देखें फिर से, लेट्स पुट द पिक्चर अगेन ऑन द स्क्रीन. आपके सामने ये पिक्चर है, यहाँ पे देखिए कि इसमें बेसिकली आपके पास एक वाई डायरेक्शन है, एक एक्स डायरेक्शन है और एक लैडर है 5 फुट की, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. तो राइट एंगल ट्राइंगल जब मैं कहता हूं तो आपके दिमाग में फौरन से पहले बल्कि पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए कि जी अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, वी हैव ए पाइथागोरस थ्योरम एंड देन वी कैन यूज दैट इक्वेशन. यानी पाइथागोरस थ्योरम जो है वो इक्वेशन है एंड यू कैन यूज दैट इक्वेशन टू डू दिस प्रॉब्लम बेसिकली. तो इसको लिख लेते हैं स्क्रीन पे. एक पाइथागोरस इक्वेशन को यहाँ पे अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो मेरे पास हाइपोटेनस जो है, जी जो है साइड होती है वो 5 है, उसका स्क्वायर 25 होगा एंड द रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज आर अननोन. सो आई गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 25 एज माई इक्वेशन दैट रिलेट्स ऑल द वेरिएबल्स. नाउ आई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी एंड ऑफ कोर्स आई हैव टू यूज द चेन रूल अप्रोप्रिएटली. वी विल सी हाउ वी डू दैट. सो आई गेट 2x टाइम्स dx बाय dt प्लस 2y टाइम्स dy dt equals 0. ठीक है जी, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई ड्रिव, यानी डिफरेंशिएट करने के बाद ओरिजिनल इक्वेशन को. यहाँ पे आपने चेन रूल इस्तेमाल किया है व्हेन एवर यू फाउंड अ ड्रिवेटिव. कैसे किया, यानी हाउ डिड वी डू दैट? आपके पास इक्वेशन जो आई थी वो ये थी, डिफरेंशिएट करने के बाद 2x टाइम्स dx ओवर dt. व्हाई डिड यू डू दैट? बिकॉज x वॉज अ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट? यानी जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है दैट्स टेकिंग प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कुछ टाइम गुजरेगा तो आपके पास डिस्टेंस मेजर करेंगे आप उसका. सो x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. सिमिलरली वर्टिकल मूवमेंट है वो भी आप मेजर करेंगे आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड. इट डिपेंड्स ऑन टाइम, सो इट्स ए फंक्शन ऑफ टाइम ऑल्सो. दैट्स वाई यू हैव dx by dt एंड dy dt इन दिस डिफरेंशियल डेरिवेटिव जो आपने लिया, जो डिफरेंशिएट किया. तो आपके पास ये दो क्वांटिटीज आई थी. अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, कुछ नॉन क्वांटिटीज हैं, कुछ अननोन है, उनको प्लग इन करें वैल्यूज को एंड यू गेट आवर आंसर बेसिकली. सो लेट्स डू दिस. हमें मालूम असल में करना है dy by dt. तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए dy dt के लिए. इट विल गिव यू dy ओवर dt इक्वल्स माइनस x ओवर y टाइम्स dx ओवर dt. dy dt हमें मालूम करना है एट द पॉइंट व्हेन x इक्वल्स 4. तो यहाँ पे देखें कि वी गेट x की जगह 4 डाल दीजिए, सो हमारे पास रिजल्ट आएगा माइनस 4 ओवर y टाइम्स dx dt. हमें पता है एट 4 x equals 4 वो हमने अभी देखा था, दैट क्वांटिटी इज गिवन टू बी 2. अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि माइनस 4 ओवर y जो है, y क्या चीज़ है? तो कोई y फिलहाल तो y है, लेकिन कोई मुश्किल काम नहीं है इसको मालूम करना, इसकी वैल्यू. क्योंकि इक्वेशन ओरिजिनल हमारे पास है, पाइथागोरस इक्वेशन जो थी पाइथागोरस थ्योरम की, उसमें अगर x equals आप 4 डाल दें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाती है. और वो वैल्यू क्या आती है वो अभी देख लेते हैं. ऑफ कोर्स नोट कीजिए कि जब आप डालेंगे, एंड आई लेट यू डू दिस एक्चुअली द कैलकुलेशन, y विल कम आउट टू बी 3 एंड यू गेट माइनस 4 ओवर 3 टाइम्स 2 इक्वल्स नेगेटिव 8 बाय 3 फीट पर सेकेंड. तो जनाब ये आपका आंसर आ गया. दिस इज हाउ फास्ट द क्वांटिटी वॉज चेंजिंग, बेसिकली द क्वांटिटी दैट वी वॉन्ट टू फाइंड आउट. तो ये इस एग्जाम्पल से होपफुली और क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू एक्चुअली टैकल सच प्रॉब्लम्स. अच्छा जी, तो ये तो हो गए रिलेटेड रेट प्रॉब्लम्स. अब हम मजीद बात करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस की, जो हमने कहा था कि व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन व्हेन वी से इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं फॉर्मली स्क्रीन पे. तो जी स्क्रीन पे लिख लेते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, दैट्स द टॉपिक. और इसमें बेसिकली बात क्या है करने की, वो बात ये है कि एसेंशली हमने देखा था पहले कि पिछले लेक्चर्स में कि दैट वी कैन गेट एन आइडिया ऑफ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन बाय प्लॉटिंग अ फ्यू वैल्यूज. तो ये जो वैल्यूज हैं, ये हमने ये भी कहा था कि ठीक है प्लॉट कर लें, लेकिन इन वैल्यूज की चूंकि फाइनाइटली मैनी होती हैं
तो इतनी एक्यूरेसी नहीं होती ग्राफ में. ठीक है, ठीक ठाक एक्यूरेसी आ जाती है, लेकिन बिहेवियर इन जनरल जो हमें कॉन्क्रीट चाहिए होता है फॉर वेरियस प्रॉब्लम्स, आगे चल के देखेंगे कौन सी होती हैं वो, तो उसमें हमें कुछ और डिटेल्स चाहिए होती हैं जो सिर्फ प्लॉटिंग पॉइंट से नहीं आती, नहीं मिलती हमें. तो इनको हमें टैकल करना है इन प्रॉब्लम्स को. तो हाउ डू वी डू दैट, देखते हैं आगे. इसमें देखिए कि यहाँ पे हम देखेंगे, वी विल सी दैट वी कैन यूज डेरिवेटिव्स टू गेट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिहेवियर ऑफ द ग्राफ इन एन इंटरवल, इन अ गिवन इंटरवल व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. यानी कहने का बात ये सिर्फ इतनी सी है कि अगर हम ओरिएंटेशन अपनी ये रखें कि लेफ्ट से राइट पे जाना है, तो इसको हम, इस ओरिएंटेशन को मद्देनजर रखते हुए हम डेरिवेटिव इस्तेमाल करें एक फंक्शन का, डेरिवेटिव को एनालाइज करें, तो हम फंक्शन के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं उसके ग्राफ के बारे में, फंक्शन के. और ज़ाहिर है ग्राफ के बारे में कुछ कहेंगे तो फंक्शन के बारे में भी काफ़ी कुछ कह सकते हैं. दोनों रिलेटेड हैं, वही एनालिटिक ज्योमेट्री वाली बात आ जाती है एंड कैलकुलस की. तो हम ये देखना चाहेंगे कि डेरिवेटिव को एनालाइज करें और ओरिएंटेशन अपनी लेफ्ट टू राइट की मूवमेंट रखें, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन अबाउट द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन. तो इसको हम देखना चाहेंगे कैसे टैकल करते हैं. अच्छा, इंक्रीसिंग फंक्शन का क्या मतलब है? अब हम चूंकि बात शुरू कर रहे हैं कि हम क्या कैसे एनालाइज करेंगे, व्हाट एग्जैक्टली डू वी वांट टू गेट आउट ऑफ एनालाइजिंग दी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन. तो उसमें यह है कि एक इंक्रीसिंग फंक्शन की बात आती है. व्हाट डू वी मीन बाय इंक्रीसिंग फंक्शन? इंक्रीसिंग फंक्शन का मकसद कहने का सिर्फ इतना होता है कि अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करें ऑन दी एक्स एक्सिस, तो जैसे आपकी एक्स वैल्यूज, ज़ाहिर है लेफ्ट टू राइट आप मूव करेंगे तो आपकी एक्स वैल्यूज बड़ी होती जा रही हैं. तो वही बात है कि आपकी अगर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इफ़ योर वाई वैल्यूज इंक्रीज फ्रॉम, यू नो, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, देन योर फंक्शन इज एक्चुअली इंक्रीजिंग. इंटुइटिव सी बात है, सिंपल सी, कि लेफ्ट से राइट आप मूव कर रहे हैं और आपकी वाई वैल्यूज आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते करते ऊपर जा रही हैं. तो यू गेट अ आइडिया ऑटोमेटिकली पिक्चर से जाहिर हो रहा होगा कि आपका ग्राफ कुछ ऐसी एक्शन कर रहा है विच वी कॉल इंक्रीजिंग फंक्शन. ये बेसिकली एक तरह की इनफॉर्मल सी डेफिनेशन है ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन. सिमिलरली अगर डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसका रिवर्स कर लीजिए कि अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं और आपकी वाई वैल्यूज मैग्नीट्यूड में कम हो रही हैं, यानी इस तरह से पहले आपकी यह लेफ्ट पे शुरू किया आपने तो ऊपर थी वाई वैल्यू, थोड़ा सा आगे मूव किया तो वाई वैल्यू नीचे आ गई, और मूव किया टू द राइट और नीचे आ गई, तो यू गेट अ जनरल आइडिया कि पिक्चर कुछ ऐसी बन रही है ग्राफ की एंड द ग्राफ इज डिक्रीजिंग. ऑब्वियसली ऐसी कोई चीज़ एक्शन करे तो डिक्रीज करेगी. वही बात है कि ओरिएंटेशन वाली बात है कि यू मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट. अगर ओरिएंटेशन चेंज कर लें तो इट विल मीन टोटली थिंग्स विल मीन, यू नो, डिफरेंट थिंग्स. इंक्रीजिंग का कुछ और मतलब होगा, डिक्रीजिंग का कुछ और मतलब होगा. यहाँ पर चूंकि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इंट्यूटिवली क्लियर है कि दिस मीन्स इंक्रीजिंग, दिस मीन्स डिक्रीजिंग, दैट्स द होल पॉइंट. और इसको अब हम और फॉर्मलाइज करते हैं. यहाँ पे एक फॉर्मलाइज करने के लिए एक फिगर बना लेते हैं, इट विल गिव यू एन आइडिया व्हाट आई मीन बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. तो आइए इसको स्क्रीन पे देखते हैं. ये जनाब फिगर है आपके सामने, इसमें आपको बेसिकली कुछ थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस का क्या मानी है. इसमें यहाँ पे इंटरवल्स भी दिए हुए हैं जिसमें ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और जहाँ पे ये डिक्रीज कर रहा है. तो इस फिगर में आपने जो फंक्शन देखा उसमें ऑब्वियसली एक इंटरवल का नोटेशन कॉन्सेप्ट एक आया जो हमने इस पर लिखा हुआ था फिगर में, कुछ इंटरवल्स बने हुए थे एट द बॉटम. तो जब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो इसमें एक इंटरवल का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हम जब भी कहते हैं, बात करते हैं कि एक फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, वी टॉक अबाउट द फंक्शन इंक्रीजिंग ऑन ए गिवन इंटरवल. सिमिलरली अ फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन ए गिवन इंटरवल. तो ये इंटरवल हमेशा हम इसके हवाले से बात करेंगे जब इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग की बात करेंगे. ये डेफिनेशन है जनाब आपके सामने. डेफिनेशन बेसिकली है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है f विच इज़ डिफाइंड ऑन एन इंटरवल एंड लेट x1 एंड x2 डिनोट पॉइंट्स इन द इंटरवल, देन f इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल इफ f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2, व्हेनेवर x1 इज लेस देन x2. F is decreasing on the function on the interval if f of x1 is greater than f of x2, whenever x1 is less than x2, and f is constant on the interval if f of x1 equals f of x2 for all points x1 and x2. तो ये जनाब डेफिनेशन हो गई. इसमें
देख लीजिए कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट. ये डेफिनेशन काफी कॉन्क्रीट है. मैंने जो थोड़ी देर पहले एक पिक्चर सी बनाई थी, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस डेफिनेशन इज. इट्स मोर फॉर्मल. इसमें पॉइंट्स आपके सामने हैं. एक्स वन और एक्स टू जो कोई भी पॉइंट्स हैं, तो बेसिकली आप कंपेयर कर रहे हैं. इन अ गिवन इंटरवल यू टेक टू पॉइंट्स एंड यू कंपेयर द कॉरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज फॉर दोज टू पॉइंट्स. अगर एक्स वन एक्स टू से छोटा है और तो आप देखते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग टू दी y वैल्यूज. अगर y वैल्यूज भी छोटी हैं एक दूसरे से, y1 जो कॉरस्पॉन्ड करेगी x1 से वो छोटी है y2 से जो x2 से कॉरस्पॉन्ड करती है, देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग. इन द अदर केस इट्स डिक्रीजिंग. और कॉन्स्टेंट है अगर इफ बोथ द वैल्यूज आर द सेम y वैल्यूज फॉर ऑल x वैल्यूज इन द इंटरवल. तो ये आपकी फॉर्मल डेफिनेशन होगी. इसका एक फिगर यहाँ पे मैं बना देता हूँ. यू कैन लुक एट दिस फिगर, इट विल क्लेरिफाई सम कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग दिस डेफिनेशन. आइए देखते हैं. ये जनाब फिगर है आपके सामने, इसमें आप देख लीजिए बेसिकली द सेम अ पिक्टोरियल व्यू ऑफ दिस डेफिनेशन वी जस्ट सॉ. अच्छा जी, तो अब ये तो हो गया. अब इसमें कुछ इसको आइडिया को और डेवलप करते हैं. हम ये जानना चाहेंगे कि भाई कैसे डिटरमिन करें कि एक गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. यहाँ पे मैंने कहा था कि हम डेरिवेटिव को एनालाइज करेंगे, तो वो आइडिया यहाँ पे डेवलप करते हैं. ऐसा करते हैं कि जो फंक्शंस हैं, कोई एक फंक्शन लेते हैं, ठीक है जी, उसका ग्राफ बनाते हैं, उसके ग्राफ पर कुछ पॉइंट्स चूज करते हैं और उनके उन पॉइंट्स पर टेंजेंट लाइन्स ड्रॉ करते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन्स विच आर टेंजेंट टू दोज पॉइंट्स. तो उसका एक फिगर बना लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है. ये जनाब फिगर है आपके सामने, फिगर 4.2.3. तो इसमें देखिए कि कुछ हमारे पास फंक्शंस हैं और इन पे मैंने पहले वाले में अगर आप लाइंस बनाएं, कुछ पॉइंट्स चूज कीजिए और वहाँ पे टेंजेंट लाइंस बनाएं तो क्या होता है. तो आपके पास यहाँ पे नोट करेंगे कुछ चीज़ें अबाउट, कुछ ऐसी कुछ एनालाइज करें अगर टेंजेंट लाइंस से, तो कुछ चीज़ें नोट करते हैं. वो चीज़ें क्या हैं? वो चीज़ें बेसिकली ये हैं कि जी टेंजेंट लाइंस इन द फर्स्ट केस, जो पहली पिक्चर थी यहाँ पे, उसमें टेंजेंट लाइंस जो थी वो उनका स्लोप पहले बहुत पॉजिटिव था और बहुत बड़ा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते ज़ीरो हो गया. तो यहाँ पे इस आइडिया को इस्तेमाल करते हुए हम बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसकी टेंजेंट लाइंस जो हैं वो एक गिवन इंटरवल में कुछ एक तरह से बिहेव करेंगी. और सिमिलरली एक इसी तरह का जो सेकेंड पिक्चर थी, उसमें हमने देखा कि एट गिवन पॉइंट्स टेंजेंट लाइंस जो थी वो जीरो से शुरू हुई, स्लोप जीरो से, और उसके बाद उसको एनालाइज करके हम कह सकते हैं कि डिक्रीजिंग फंक्शन को की जो डेरिवेटिव होता है या जो उसकी टेंजेंट लाइंस होंगी एट दोज पॉइंट्स, उनका स्लोप जो होगा वो एक खास तरीके से बिहेव करेगा इन अ गिवन इंटरवल. एंड वी कैन से समथिंग अबाउट दैट टू बेसिकली फॉर्मलाइज दिस आइडिया. तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको फॉर्मलाइज कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट को स्क्रीन पर लिख लेते हैं. ये जनाब आपके सामने है थ्योरम 4.2.2, विच बेसिकली टेल्स यू अ वे ऑफ डिटर्मिनिंग इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन एन इंटरवल. द फंक्शन सेज, द थ्योरम सेज, एफ बी अ फंक्शन दैट इज कंटिन्यूस ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशियबल ऑन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, इफ एफ प्राइम ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इन ए एंड बी ओपन इंटरवल, देन एफ इज इंक्रीजिंग ऑन ए बी. If f prime of x is less than 0 for every value of x in AB, then f is decreasing. And if f prime is 0 for every value of x in AB, then f is constant on the closed interval a comma b. अच्छा जी, तो ये आपका theorem हो गया. इसमें this basically tells you how to find if determine if a function is increasing or decreasing using the derivative of the function itself. तो ये closed interval पे बात होती है, लेकिन इसमें open interval का भी एक play है. ऑफ कोर्स वो हम देख लेंगे क्या होता है. इसको समझने के लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं थ्योरम को. तो आइए इसको देखते हैं स्क्रीन पे. एग्जांपल है जनाब, फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड देन दोज एंड दोज इंटरवल्स ऑन विच इट्स डिक्रीजिंग. और जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री. यहाँ पे इसका फिगर बना लेते हैं. ये फिगर आपके सामने है, तो आपको पता चल गया कि इसमें ग्राफ इसका क्या है, बेसिकली व्हाट द ग्राफ इज ऑफ दिस फंक्शन. अब इसको हमें मालूम करना है कि ये इंक्रीज कौन से इंटरवल पे कर रहा है और डिक्रीज कौन से पे कर रहा है. तो इसके लिए है कुछ थोड़ा सा वो जो थ्योरम अभी देखा वो इस्तेमाल करते हैं एंड डू सम कैलकुलेशंस. लेट्स गो टू द स्क्रीन अगेन. डिफरेंशिएटिंग एफ गिव्स एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस फोर, दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स एक्स माइनस टू. अब नोट करें कि एफ प्राइम ऑफ एक्स ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया ये लेस देन जीरो होगा इफ
ऑन द इंटरवल x बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड 2, और ग्रेटर देन 0 होगा ऑन द इंटरवल x इज बिटवीन 2 एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है जी, ये दो इंटरवल आ गया आपके सामने। तो अब हमने ये क्या ये दो इंटरवल थे जिन पे ये इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है? नहीं, इसमें थ्योरम के हवाले से हम अगर देखें तो इंटरवल कुछ और होंगे, इन्हीं से रिलेटेड होंगे इन इंटरवल से, लेकिन एग्जैक्टली क्या है आइए देखते हैं। अच्छा जी, तो इसमें देखें कि थ्योरम 4.2.2 जो हमने देखा था उसमें नोट करें कि एफ जो था वो कंटिन्यूस था, और यहाँ इस एग्जाम्पल में भी एफ कंटिन्यूस है क्योंकि इट्स अ पोलिनोमियल फंक्शन, ऑल पोलिनोमियल्स आर कंटिन्यूस फंक्शंस, और ख़ास तौर पे इट्स कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल 2 एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो बेसिकली व्हाट वी कैन से बाय द थ्योरम इज दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 2, क्लोज इंटरवल 2, कॉमा पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी 2 विल बी एक्चुअली इंक्लूडेड इन इट अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। सिमिलरली इट्स डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2, वेयर 2 इज इंक्लूडेड, एंड नोटिस दैट द डेरिवेटिव इज 0 एट द पॉइंट x इक्वल्स 2। So, what can we say here? Well, since this is only a point and not an interval, we think of the point x equals 2 as the point where the transition occurs from decreasing to increasing in f. Yani kehne ka maqsad ye hai ki x equals 2 jo hai wo ek aisa point hai jahan pe function apni increase se agar increase kar raha tha to wahan se change hoke decrease karega ya vice versa. इस पर्टिकुलर केस में जो भी केस था उसके हवाले से x equals 2 would be the point of change of increase or decrease. अच्छा जी, तो ये एक टॉपिक और हो गया इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। अब हम बता सकते हैं कि अगर हमसे कोई पूछे कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कहाँ से, कौन से इंटरवल पे, तो वी कैन डिटरमिन दैट, एंड सिमिलरली फॉर द डिक्रीज पार्ट। अब एक और चीज़ जो है हमें मालूम करना हम चाहेंगे अबाउट ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस, वो ये है कि जी कॉनकेविटी कैसी है इस ग्राफ की ऑन अ गिवन इंटरवल, यानी ये कि कॉनकेविटी क्या चीज़ होती है। कॉनकेव लेंस की मैंने बात की थी कि जो लेंस ऐसे करके होते हैं ऐसे, ये कॉनकेविटी बेसिकली कहलाती है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर इस तरह का ग्राफ बनेगा आपका तो वी विल कॉल दैट कॉनकेव अप, एंड इफ इट्स लाइक दिस वील कॉल इट कॉनकेव डाउन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ग्राफ्स की, और उसकी वजह से फंक्शंस के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, हम फंक्शंस के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो हम ये मालूम करना चाहेंगे कि ऑन व्हाट इंटरवल्स आर फंक्शंस कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन। अच्छा, अब ये है कि जो हमने इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शंस की बात की थी, इस आइडिया को हम मज़ीद डेवलप कर सकते हैं, और उसको मज़ीद डेवलप करेंगे तो हमारे पास एक कुछ ऐसे टूल्स आ जाएंगे जिनसे हम डिटरमिन कर सकते हैं कि ऑन व्हाट इंटरवल्स इज द गिवन फंक्शन, एनी गिवन फंक्शन इज कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन। तो आइए इसको डिवेलप करते हैं। अच्छा जी, इसको डिवेलप करने के लिए इस आइडिया को एक फिगर बना लेते हैं और स्क्रीन पर डाल देते हैं उसको, तो उससे थोड़ा सा क्लियर होगा कि हम कैसे इसको डेवलप करेंगे। आइए देखते हैं। ये फिगर है जनाब आपके सामने, इस पे आपके पास दो ग्राफ्स हैं जो बेसिकली ऑलरेडी हमें कह सकते हैं कि पहला वाला जो है वो कॉनकेव डाउन है और दूसरा जो है वो कॉनकेव अप है, और हमें ये देखना है कि इसको कैसे हम डिटरमिन कर सकते हैं कि इट इज़ एक्चुअली यूजिंग सम काइंड ऑफ टूल्स दैट वी हैव लर्न सो फार। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम डेरिवेटिव्स का सहारा लेंगे फिर से। इन दोनों कर्व्स जो ग्राफ्स हमारे पास आए इन पे कुछ पॉइंट्स सेलेक्ट करते हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट लाइंस ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि टेंजेंट लाइंस का बिहेवियर क्या है ऑन अ गिवन इंटरवल। तो आइए देखते हैं। नोट कीजिए कि जो पहला वाला ग्राफ है इसमें जो टेंजेंट लाइंस ड्रॉ की हैं हमने एट वेरियस पॉइंट्स ऑन सम इंटरवल, यहाँ पे एक इंटरवल भी इन्वॉल्व है, तो उसमें देखें कि इनका जो टेंजेंट लाइंस का स्लोप है वो स्टार्ट होता है पॉजिटिव स्लोप से, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो को अप्रोच करता है फिर ज़ीरो हो जाता है, और उसके बाद आगे चलते हुए ये नेगेटिव हो जाता है। तो इसमें यानी बेसिकली इन अदर वर्ड्स वी आर सेइंग दैट द स्लोप्स आर डिक्रीजिंग। तो एक तरह की क्वांटिफाई यहाँ पे हम एक तरह से वो कह सकते हैं, एक हमारे पास टूल आ गया और वो ये कि द ग्राफ इज कॉनकेव डाउन अगर स्लोप्स जो हैं टेंजेंट लाइंस के वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये एक हमारे पास एक तरह की टेक्नोलॉजी या टूल आ गया है जिससे हम कह सकते हैं कि डिटरमिन कर सकते हैं कि कोई कॉनकेव डाउन है कोई फंक्शन या नहीं। तो इसी तरह से अब दूसरा ग्राफ देखते हैं, उसमें हम कैसे कुछ कह सकते हैं उसके बारे में, आइए देखते हैं। सेकंड पिक्चर में देखें कि टेंजेंट लाइंस जो हैं वो स्टार्ट हुई विद नेगेटिव स्लोप ऑन दैट इंटरवल, और उसके बाद आखिर में वो पॉजिटिव स्लोप हो गया इनका। तो इसको इसमें देखिए कि जब ये हुआ तो इस ग्राफ की शेप जो थी वो कॉनकेव अप थी। तो आइए इसको वैसा करते हैं, इसको कुछ थोड़ा सा फॉर्मलाइज कर लेते हैं।
यहाँ पे आपके सामने एक डेफिनेशन है जनाब. इसमें डेफिनेशन में देखें कि हमने फॉर्मली स्टेट किया है कि हाउ टू डिटरमिन इफ अ फंक्शन इज कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन ऑन अ गिवन इंटरवल. लेट एफ बी डिफरेंशिएबल ऑन एन इंटरवल. एफ इज कॉल्ड कॉनकेव अप ऑन द इंटरवल इफ एफ प्राइम इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल. F is called concave down on the interval if f prime is decreasing on the interval. अच्छा जी, तो ये आपके पास डेफिनेशन आ गई फॉर्मल कि हमने जो अभी तस्वीर में देखा था कि वी कैन यूज डेरिवेटिव्स टू एक्चुअली टॉक अबाउट कॉनकेव अप एंड कॉनकेव डाउन. तो यानी कॉनकेव अप जब होता है जब f prime इंक्रीज हो रहा होता है, कॉनकेव डाउन कॉनकेव डाउन जब होता है जब f prime डिक्रीज हो रहा होता है, कॉनकेव अप जब होता है जब एफ प्राइम इंक्रीज हो रहा होता है. तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा ये नोट कीजिए कि एफ प्राइम की इंक्रीज और डिक्रीज की बात हो रही है. तो हम जो अभी थोड़ी देर पहले हमने थ्योरम देखा था रिगार्डिंग इंक्रीजिंग फंक्शंस इन जनरल, उसको इस्तेमाल करके हम इसको एक थ्योरम की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक ऐसा टूल जो हमें कैलकुलेशंस के लिए हेल्प करेगा इन डिटरमिनिंग इफ अ गिवन फंक्शन इज कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन ऑन अ गिवन इंटरवल. आइए इसको स्क्रीन पे लिख लेते हैं. ये जनाब आपके सामने है थ्योरम 4.2.4. इसमें बेसिकली नोट कीजिए कि इफ एफ डबल प्राइम इज ग्रेटर देन जीरो ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी देन एफ इज कॉनकेव अप ऑन ए बी. इफ एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी देन एफ इज कॉनकेव डाउन ऑन ए बी. तो ये थ्योरम हो गया. दिस बेसिकली टेल्स यू हाउ टू डिटरमिन इफ अ गिवन graph is concave up or concave down. So, iski example kar lete hain. It will help us understand this thing. So, we'll go to the screen again and do this example. Example hai ji, find the open intervals on which the given function is concave up and on those or the and those intervals on which it's concave down. Aur jo function hai aapke samne wo hai f of x equals 4x x square minus 4x plus 3. Isme dekhiye ki f prime of x jo hai wo 2x minus 4 aata hai. F double prime of x जो है वो 2 आ रहा है. तो notice since f double prime the second derivative is greater than 0 for all x because f double prime is just a constant number and constant positive number, the graph of this function is concave up on the interval minus infinity to positive infinity. And also notice that we saw the graph of this function earlier in figure 4.2.4. We'll put it here for you. Here's the graph of this function, and notice that indeed it is the case that the graph is concave up on all the real number line minus infinity to positive infinity. So yahan pe ye tha ki ji question ye hai ki second derivative kahan se aa gaya, yani we basically tried to have a way of basically determining if a given graph is concave up or concave down. Usme ye dekhiye ki jo theorem tha aur jo definition humne ek apply ki thi usme humne रेट्स ऑफ चेंज ऑफ बेसिकली टेंजेंट लाइंस देखे थे, स्लोप्स ऑफ टेंजेंट लाइंस की बात की थी. तो वहाँ पे एक तरह से सेकंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आ गया था कि हमें डेरिवेटिव के रेट ऑफ चेंज मालूम करने थे, हाउ फास्ट दे वर चेंजिंग एंड स्टफ लाइक दैट. तो वहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव केम इन टू प्ले एंड दैट्स वाई वी हैव इट इन द थ्योरम फॉर्म हेयर. अच्छा जी, तो ये फिर बात हो गई आज के लेक्चर की. आज हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए. क्या हमने बातचीत की, हमने सारी जो हमने देखे रिलेटेड रेट्स, आई थिंक दोज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस क्योंकि उसमें एप्लीकेशंस देखी ऑफ सिंपल डेरिवेटिव्स जो अभी तक हमने थ्योरी डेवलप की थी डेरिवेटिव्स की, वो हमने अप्लाई की, प्रॉब्लम सॉल्व की. उसकी जो होमवर्क प्रॉब्लम्स हैं फॉर रिलेटेड रेट्स, उसमें मैं ऑब्वियसली आई विल स्ट्रेस अलॉट कि भाई उस पर ज़रूर फोकस कीजिएगा. डू ऑल ऑफ देम बेसिकली बिकॉज दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न दीज थिंग्स. इंजीनियरिंग में आगे चल के अगर आप ये करेंगे प्रॉब्लम्स तो दीज विल हेल्प यू अलॉट. उसके अलावा इंक्रीजिंग फंक्शंस डिक्रीजिंग फंक्शंस की बात की. नॉट टू मैनी रियल लाइफ एप्लीकेशंस एट द मोमेंट, बट ऑफ कोर्स लेटर ऑन वील सी दैट दिस थ्योरी विल बी यूज्ड इन सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. सिमिलरली कॉनकेविटी की बात की, कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन फंक्शंस के ग्राफ्स जो होते हैं उनके फंक्शंस के, तो वो भी थ्योरेटिकल बात थी. बट वी हैव वी एक्चुअली फॉर्मलाइज्ड एंड क्रिएटेड सम टूल्स व्हिच हेल्प्ड अस इन डिटरमिनिंग how to actually determine if the function was concave up or concave down. And again, we use the theory of derivatives for that. So, ab tak hopefully, aapko kafi had tak convince ho gaye honge ke derivatives are very important things. So, of course, we need to keep them in mind. So, janab, yahan pe ab khatam karte hain lecture. Aur again, practice makes perfect. Aap practice kijiye, homework kijiye. Aur koi problem ho to mujhse pooch lijiyega email karke.
और आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.